पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर। ये तस्वीरें उस जिला जेल की है जहाँ के अपराधी बेखौफ, बेधड़क, बेपरवाह ऐश करते हैं। कहने को तो ये जिला जेल है, लेकिन अपराधियों के लिए किसी ऐशगाह से कम नहीं है। शासन प्रशासन भले ही जेलों में कानून के राज होने का दावा करता है, लेकिन असल में आज भी उत्तर प्रदेश की जेलों में अपराधियों का ही राज है और बोलबाला भी। सुनो बेटा, पहले तो काम करो सारा सामान, पैसा जो है सब भिजवा दो। 10,000 रुपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवास पे, ठीक है? उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना, ठीक है? काम करना कि दारू की बोतल जो लेना है वाइट वाली मंगा ले रहा है दारू। दारू, सिगरेट, गोलियां और हथियार, इतना ही नहीं पूरे ठाट भाट के साथ फोन का इस्तेमाल देखिए। ये नजारा किसी पार्टी या जश्न का नहीं बल्कि रायबरेली जिला जेल का है। क्या बोल रहे हो? रायबरेली जेल है, समझे ना? यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते हैं, जिस दिन बुलाएंगे इसी जेल को दफन कर देंगे। सही है, मरना देखो, मरवाई देखो, भिजवा के लौंडे बाहर। और सब ठीक है? अब फोटो भिजवा देंगे उसकी। आजादी को बयां करती ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि यहाँ पर कई धाराओं के कुख्यात अपराधियों की। यूपी के जेलों में अपराधियों की मनमानी का एक और वीडियो सामने आया है और इस बार मामला रायबरेली जिला जेल का है। फोन से बात कर रहा ये अपराधी अंशु दीक्षित है। सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद का वो अपराधी है जिसने लूट, हत्या, सुपारी के लिंक जैसी तमाम वारदातों को अंजाम दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता विनोद त्रिपाठी की हत्या में भी अंशु दीक्षित का ही नाम सामने आया। वहीं अंशु दीक्षित के साथ वीडियो में नजर आ रहे दूसरे अपराधी भी अजीत चौबे, श्रृंगार सिंह, सौराव और निखिल सोनकर हैं। जेल के अंदर हो रही इस रंगीन पार्टी पर जब रायबरेली के जेल अधीक्षक से बात की गई तो बताया गया कि मामला उनके संज्ञान में है। कारागार में कुछ शातिर किस्म के बंदी बनते हैं, इनके बारे में हम लोगों को खुफिया रिपोर्ट मिल रही थी। इनकी गतिविधियां सामान्य नहीं है और कुछ अवैधानिक एक्टिविटीज में लोग लगे हुए थे। उन बंदियों को हम लोगों ने यहाँ से ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके इनके बैरक और अच्छी तरीके से तलाशी कराई। तलाशी के दौरान खुफिया सूचना के आधार तीन मोबाइल छोटे और एक मल्टीमीडिया सेट बरामद हुआ, एक सिम कार्ड बरामद हुआ। उस पर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार करा दी गई और उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। मजे की बात है कि इस जेल में मनमाना खाना भी है और रंगदारी वसूलने के लिए फोन भी। यानी रायबरेली जेल की यह बैरक न हो गई, अंशु दीक्षित का अपना अड्डा है जहां जब चाहा जो चाहा उन्हें मुहैया हो रहा। बात यही खत्म नहीं होती, जिला जेल में खाने के नाम पर भी खेल होता है। यहां दाल कम, पानी ज्यादा मिलता है, रोटी ऐसी जिसे तोड़ने के लिए दांत भी मजबूत चाहिए। जेल में होटल ऐसा है जो 25 रुपए में एक पराठा देता है, मतलब एक तो महंगा, ऊपर से क्वालिटी जीरो। लेकिन इस ओर ना तो कभी जेल प्रशासन ने देखा और ना ही सरकार ने। रायबरेली जेल का सामने आया ये वीडियो बता रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में अपराध की दुनिया के बड़े नामों के लिए वो सब सुविधाएं मिलती हैं जो किसी कानून की किताब में अपराध माना जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सलाखों के अंदर ही रहने वाले अपराधी मनमानी कर रहे हैं तो फिर इनके ऊपर लगाम कसने का दावा क्यों किया जाता है? ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।